आरबीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.20 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ये कैसे हो सकता है, सब बताएंगे। फर्स्ट बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इसका जवाब है सेन्योरेज। इसको समझने के लिए सोचिए, अगर आरबीआई एक 100 का नोट प्रिंट करती है और उसे एक बैंक को सर्कुलेशन के लिए देती है, तो बैंक को उस नोट को खरीदना पड़ता है और आरबीआई के खाते में 100 रुपए ट्रांसफर करने पड़ते हैं। लेकिन आरबीआई का सिर्फ 2 रुपए का खर्चा आता है नोट प्रिंट करने में। तो इसने 2 रुपए खर्च किए और 100 रुपए का फेस वैल्यू बनाया और सेंट्रल बैंक का प्रॉफिट उस 100 रुपए को अच्छे से यूज करने से आता है। उस प्रॉफिट को सेन्योरेज कहते हैं। तो आरबीआई अपने प्रॉफिट्स का क्या करती है, वो अपने पैसे को काम में लगाती है और इंटरेस्ट कमाती है। एक, बैंकों को पैसे उधार देने से। दो, सरकारी बॉन्ड्स खरीदने से। तीन, विदेशी संपत्ति जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से, या फिर वो खुद ही डॉलर्स खरीद कर रखती है और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आरबीआई उसे बेचकर फायदा उठाती है। दरअसल सिर्फ लो बाय और हाई सेल करके आरबीआई ने पिछले साल फॉरेक्स ट्रेड्स में 1 लाख करोड़ रुपीस कमाए थे और आरबीआई के ज्यादा खर्चे भी नहीं होते। आरबीआई का खर्चा नोट प्रिंट करने में आता है, फिर वो कुछ सरकारी काम बैंक्स को सौंप कर उन्हें फीस देती है। एंड लास्टली आरबीआई को अपने पे रोल पर सबको सैलरी देनी पड़ती है। इन सबको मिलाकर आरबीआई का खर्चा सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का आता है। और आरबीआई एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी नहीं है, इसलिए इसको कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और इसके प्रॉफिट्स का एंड में वो करती क्या है, वो अपने पैसे को अपनी कंटिंजेंसी फंड में डालती है, जिसको वो अनफोर्सीन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज, मार्केट फ्लक्चुएशंस और पोटेंशियल लॉस फेल्ड इन्वेस्टमेंट से आएंगी उस समय इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, वो बाकी पैसों को सरकार को डिविडेंड के रूप में देती है। तो ये थी आरबीआई की पैसे कमाने की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।